हेलो एवरीवन, मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही कोई गोल्ड फेशियल अच्छा सा हमें बता दीजिए कि कोई अच्छा सा गोल्ड फेशियल हो और रीजनेबल प्राइस के साथ हो। तो मैंने बहुत दफ़ा लाइव वीडियो में इसका जिक्र किया था और लाइव वीडियो में मैंने दिखाया भी था, तो सबने कहा कि इसकी एक रिव्यू वीडियो जो है वो बना के हमें दिखा दीजिए। तो ये कुछ जो है इस तरह से पाउच है इसका, ये देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट पाउच है ये। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और एक ब्लीच है और ब्लीच का जो पाउडर होता है वो है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें मसाजर है, क्लिंजर है और स्क्रब है, पॉलिश है, मास्क है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसमें बटन लगे हुए हैं, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें है ब्लीच क्रीम और ये इसका पाउडर। ब्लीच क्रीम जो है इसकी, ये देख सकते हैं आप, इस कलर की है। फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त है इस फेशियल की, बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्लीच मैं यूज़ करती नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरी कोई फ्रेंड वगैरह घर पर आती है वो करती है, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ कि मत करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं करते हैं तो मैं उनको कर देती हूँ। और दूसरा जो है इसका टू स्टेप प्रोसेस पे, अच्छी बात ये है कि इस पर लिखा हुआ है, जैसे कि इस पर लिखा है स्टेप वन, उस पर लिखा है स्टेप टू, ठीक है। तो ये इजीली आपको पता भी चल जाएगा कि स्टेप वन है, ये स्टेप टू है। स्टेप वन क्लिंजर होता है, और स्टेप वन जो होता है वो ब्लीच ही होती है, लेकिन जो लोग नहीं कराते हैं तो वो क्लिंजर से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं क्लिंजर से ही स्टार्ट करती हूँ। स्टेप टू इसका क्लिंजिंग है और इस पर लिखा हुआ है ग्लैमरस ग्लो, ग्लैमर ग्लो के नाम से है ये। गोल्डन फेशियल, एलिसिलिक एसिड और ग्लोइंग रिपेयर, ठीक है। इसमें जो ये एलिसिलिक लिखा है, ये मैंने अपने लाइव वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एलिसिलिक अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो वो कुछ एटम टाइप का दिखा रहा है। मैं आप लोगों के सामने करती हूँ, मैं आप लोगों के सामने टाइप करती हूँ, आप देखिए इसमें स्पेलिंग इसकी मैं बताती हूँ आपको। स्पेलिंग है ALIC ALIC YLIC एलिसिलिक मीनिंग इन उर्दू, ठीक है, मैंने ये लिखा है। तो इसमें जो है एलिसिलिक आ रहा है, तो इसमें मैं पिक्चर्स निकालती हूँ, क्या चीज़ दिखा रहा हूँ देख सकते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट जो चीज़ें टाइप की होती है वो ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये क्या है। तो मैं यही थी परेशान कि क्या दिखा रहा है, जब गूगल को सर्च करो तो वो ये इस तरह से बने हुए आ रहे हैं, ये चीज़ जो है ना वो शो कर रहा है। तो ज़्यादा तो वो कुछ एटम्स टाइप के और कुछ मैप, कुछ एटम वगैरह वो दिखा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने लाइव में बताया तो सबने यही कहा कि आप ही वो मिस प्रिंटिंग हुई है, सैलिसिलिक एसिड लिखना चाह रहे होंगे वो, और एलिसिलिक जो है यहाँ पर उन्होंने प्रिंट में, प्रिंट जो हुआ है उसमें ये आ गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है ये। तो खैर अभी इसका हम देख लेते हैं। ये देखिए गोल्ड कलर की है ये फ्रेग्रेंस, सबकी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारी है। एक प्रॉब्लम मुझे ये थी एलिसिलिक एसिड की, और दूसरी प्रॉब्लम जो है मैं बताती हूँ वो क्या है, दो तीन प्रॉब्लम है इसकी। तीसरा जो है वो है आपका मसाज क्रीम, ये देख सकते, इस पर लिखा है 3 और अंदर से मैं दिखाऊँ, ये पीच पिंकी पीच पीची पिंक टाइप का कलर है, ये देख सकते। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है वो है स्क्रब, ये फोर्थ स्टेप है, और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये भी कुछ इसी टाइप का कलर है। और क्वांटिटी इसकी काफ़ी है, ये मैं 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत कम क्वांटिटी इसकी यूज़ होती है। इस पर लिखा है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो देखिए जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जब इसको मैंने यूज़ किया था तो मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही थी और जलन जलन सी हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा बर्दाश्त किया और सोचा कि देखती हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो अपने ऊपर रिस्क लेना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो मैंने पूरा कम्प्लीट करा, तो सच्ची बात यह है कि मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा मुझे बर्निंग फील हो रही थी, लेकिन उसके बाद फेशियल करने के बाद मैंने सूदिंग लोशन अप्लाई कर लिया तो वो ठीक हो गया, लेकिन फेशियल का जो रिज़ल्ट था औसम था, औसम बेहतरीन। ये है 5 स्किन पॉलिश
और इसका बाकी सबका कलर जो है वो सेम है, सिर्फ जो क्लिंजर है वो गोल्डन कलर का है। अब लास्ट 6 स्टेप जो है वो है इसका मास्क। सारे सेम कलर के हैं, सिर्फ क्लिंजर जो है वो गोल्ड कलर का है। और मैं जो 2-3 बातें आपको बता रही थी वो यही थी कि इसमें एक तो ये एलिसिलिक जो लिखा है, सेलिसिलिक की जगह मिसप्रिंटिंग हुई है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इस पर ना कोई एक्सपायरी मेंशन है कि कब एक्सपायर होगा कब नहीं होगा, कोई एक्सपायरी इस पर मैंशन नहीं है। थर्ड चीज़ ये कि मैनुफैक्चर भी नहीं पता कि कहाँ मैनुफैक्चर हुआ है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं पता कि कहाँ मैनुफैक्चर हुई है चीज़, कहाँ का ब्रांड है ये, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी। और जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ करा तो मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही थी, लेकिन सेकेंड और थर्ड टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा ज़रूर हुआ था। तो मेरा फ़र्ज़ है हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे फेस पर काफ़ी बर्निंग हुई थी, रेडनेस भी हो गई थी, लेकिन सूदिंग लोशन अप्लाई करने के बाद वो ठीक हो गई थी। और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम मुझे फिर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रेडनेस वगैरह बर्निंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये जो चीज़ें हैं इस पर कि एक्सपायरी नहीं है, मैनुफैक्चर जो है नहीं पता कहाँ का ब्रांड है ये, कहाँ बना है, ऐसा कुछ इस पर नहीं लिखा है। बाकी रिज़ल्ट की अगर बात करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं खुद 3 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और मैं प्राइस बता दूँ इसके, मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया है, ठीक है। और इसके प्राइस जो है वो है, दिखा दूँ आप लोगों को, उसके प्राइस हैं 933 और डिलीवरी चार्जेस के साथ 968 का ये आपको पड़ेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है इसका और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जो हूँ मैं इसको 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इसके यूज़ के बाद जो है आपके फेस पर इतनी ग्लो आ जाती है, एकदम आपका फेस जो है वो फ्रेश लगने लगता है, स्किन बहुत स्मूथ लगती है, प्लम्प लगती है और बहुत ही यंगर लगती है स्किन इसको इसके इस फेशियल के यूज़ के बाद। सच में जो मुझे फील हुआ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन बस थोड़ा सा डाउट ये है कि कहाँ मैनुफैक्चर हुआ है, और फर्स्ट टाइम इसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम मैं बिल्कुल ठीक रहा मेरे चेहरे पे। आप चाहे इसको परचेज करना तो परचेज कर सकते हैं, ये दराज पर जो है इजीली अवेलेबल है। लोकल मार्केट्स का मुझे पता नहीं है कि वहाँ अवेलेबल है या नहीं, दराज पर आप सर्च करेंगी तो ये ईजिली ग्लैमर फेस का जो है ये आपको दिखा देगा, ग्लैमरस फेस जो है सर्च बार में आ जाएगा। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये, अब आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो जो प्रॉब्लम्स थी मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी, अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।